ओके आई जस्ट रिसीव थ्री रिस्पॉन्सेज बाकी किधर हैं सो रहे हैं क्या जाग जाए जाग जाए ओके okay, अब क्वेश्चन ये है कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूनिट ऑफ लेंथ तो है मीटर ऐसा यूनिट क्या है लेंथ के ऐसा यूनिट है मी, मीटर से. लेकिन आप सब ने जो आंसर दिया है वो दिया है लोमीटर में अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछूं वक्म तो आंसर होंगे वो होंगे इन सेंटीमीटर्स और इन मिलीमीटर्स अब ये जो सेंटी है जो मिली है जो

तो ये एक टेबल है विच यू हैव टू मेमोराइज यहाँ पर अगर आप देखें तो इन द मिडल देर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ द प्रीफिक्सेस। दिस इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर मींस ये जो तो ये वाला प्रीफिक्स है गीगा इट रिप्रेजेंट्स दिस फैक्टर इट इज इक्वल टू दिस फैक्टर टेन टू द पावर नाइन और इसका सिम्बल है कैपिटल जी सिमिलरली थ्री के डिफरेंस से नीचे आ जाए मेगा इज टेन दे पावर सिक्स और इसका आपका सिंबल आ गया कैपिटल किलो कैपिटलोन दे पावर थ्री सिंबल स्मॉल के डेसी टेन इज टू माइनस वन सिंबल स्मॉल डी सेंटी मिली माइक्रो नैनो लेफ्ट साइड के ऊपर आपके फैक्टर लिखे हुए हैं और राइट साइड के ऊपर आपके सिंबल लिखे हुए हैं इज दिस टेबल आपको ये टेबल डायरेक्ट भी आ सकती है कोई आपसे इन पी वन आपसे कोई क्वेस्ट पूछा जा सकता है और <coughs> ये टेबल पी टू में भी यूज होती है वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आपने नूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है तो समाइम्स यू हैव टू कन्वर्ट यूनिट्स और यूनिट्स कन्वर्ट करने के लिए यू यूज दिस टेबल जो आपके स्मॉल यूनिट्स हैं लाइक सेंटी मिली किलो यहाँ तक तो आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं बट व्हेन यू गो टुवर्ड्स बिगर यूनिट्स और वेरी स्मॉल प्रीफिक्सेस तो फिर आपको पावर्स ऑफ टेन यूज करनी होती हैं अब क्वेश्चन ये है कि हम इसको यूज कैसे करेंगे हाउ टू कन्वर्ट यूनिट्स यूजिंग दिस टेबल तो उसके लिए बहुत सिंपल सा जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो आपके जो प्रीफिक्सेस हैं दे आर इक्वल टू द फैक्टर्स जो 10 की पावर दी हुई है इक्वल होती हैं सो इन एनी मेजरमेंट यू कैन इंटरचेंज द प्रीफिक्स एंड द मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास एक मेजरमेंट है फाइव मिलीमीटर एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इन मीटर्स तो आप क्या करेंगे इस फाइव ये जो तो मिली है यहाँ पे इसको आप यहां से रिमूव करेंगे और इसकी जगह पे आप लिख देंगे टेन रेज टू दावर माइनस थ्री मीटर्स मिली का फैक्टर था टेन एज टू दावर माइनस थ्री आपने मिली उड़ा दिया यहां से मिली को रिमूव कर दिया और उसकी जगह आपने उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख दिया और ये कन्वर्जन आपकी हो गई फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री मीटर सिमिलरली अगर आपके पास हो जीरो पॉइंट किलोग्राम और आपने इसको कन्वर्ट करना इंटू ग्राम मीन नॉन प्रीफिक्स यूनिट में किलोग्राम के अंदर जो किलो है दैट इज द प्रीफिक्स आपने इसको नॉन प्रीफिक्स यूनिट में कन्वर्ट करना है ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे जीरो पॉइंट टू फाइव एज इट इज आ जाएगा ये वाला इस किलो को आप यहाँ से रिमूव कर देंगे और किलो का जो आपका फैक्टर होता है पावर थ्री और यहाँ पे आ गया क्रैम सो जस्ट आपने रिप्लेस कर देना है प्रीफिक्स को विद इट्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर टू कन्वर्ट फ्रॉम प्रीफिक्स यूनिट टू Non unit. अच्छा यहां पे एक आ, दूसरा मेथड भी है इससे आप ये भी देख सकते हैं दैट व्हेन यू कन्वर्ट फ्रॉम यूनिट टू नॉन प्रीफिक्स यूनिट यू आर मल्टीप्लाइंग फैक्टर यह आपका फाइव था आपने उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी कन्वर्जन होगी सिमिलरली यहां पे जीरो पॉइंट टू फाइव था आपने उसको किलो के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी कन्वर्जन हो गई ओके okay जी अब अगर हमने इसके ऑपोजिट करना हो यूनिट कन्वर्जन करना हो टू यूनिट. और ये यूजुअली इन केस ऑफ मैथ आपको करना पड़ता है बिकॉज आपके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो यूजली होती है दैट यू हैव टू टू कन्वर्ट यूनिट्स यूनिट्स और SI units, अगर बेस यूनिट्स की अगर आप टेबल देखें आ, मैं पीछे ले जाके आपको दिखा भी दूं ये देखें ये टेबल अगर आप देखें इसके सारे सिंब आप तो यूनिट्स देखें तो सारे जो हैं विदाउट प्रीफिक्सेस हैं एक्सेप्ट मैस मैस के अंदर आप देखें तो इसका जो ऐसा यूनिट है दैट इज प्रीफिक्स्ड यूनिट बाकी किसी यूनिट के साथ प्रीफिक्स नहीं लगा हुआ तो आपको जो दूसरी वाली जो है टू प्रीफिक्स यूनिट में कन्वर्ट करना ये आपको तब जरूरत पड़ती है व्हेन यू हैव टू डील विद द मास सो so, अगर आपने 130 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है और आप वो वाला मेथड uh, यूज कर रहे हैं कि जो प्रीफिक्स हैं और मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स हैं, इंटरचेंजेबल, तो आपको यहाँ पे पावर थ्री का फैक्टर चाहिए लेकिन वो यहाँ पे नहीं है तो हम क्या करेंगे वो इंट्रोड्यूस कर देंगे वन थर्टी ग्राम इसको हम नीचे वन थर्टी इंटू टेन एस टू दावर थ्री डिवाइडेड बाई टेन एस टू दावर थ्री यहाँ पे हमने खुद से टेन टू द पावर थ्री का फैक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया है और जब हमने उसको मल्टीप्लाई किया है तो हमने उसको डिवाइड भी कर दिया है ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े मैं के ऊपर नाउ अब इन नेक्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे कि इस टेन एस टू द पावर थ्री को यहाँ से हम कर देंगे रिमूव और इसकी जगह किलो का के लिख देंगे मीन्स जो नेक्स्ट स्टेप आएगा इसके हम करेंगे वन थर्टी इंटू वन इंटू टेन पावर थ्री किलोग्राम अभी किलो किधर से आ गया है किलो इसकी जगह ये हमने के किलो इधर लगा दिया है तो ये आपकी कन्वर्जन हो गई है इसको आप फर्दर नेक्स्ट स्टेप में वन थर्टी इंटू ये डिनोमिनेटर से जब न्यूमिनेटर में जाएगा पावर तो इट विल बिकम नेगेटिव तो ये आपकी बन गई वन थर्टी इंटू टेन एस टी दावर माइनस थ्री किलोग्राम एक मेथड तो ये है कि आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर लें सेकंड आप अगर आप देखें तो आपने किया क्या है आपने यहाँ पे जो नंबर था उसको किलो की जो पावर थी उससे डिवाइड कर दिया है तो आप ये भी याद रख सकते हैं दैट टू कन्वर्ट फ्रॉम नॉन प्रीफिक्स यूनिट टू प्रीफिक्स नीड टू डिवाइड विद द फैक्टर जो भी आपकी मेजरमेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो उसको फैक्टर से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी यूनिट कन्वर्जन हो जाएगी अब ये दोनों मेथड हैं आप ये जो ऊपर वाला एक बेसिक जो स्टेटमेंट है दैट यू कैन चेंज इंटरचेंज प्रीफिक्स एंड द कन्वर्जन कर सकते हैं और डायरेक्ट आप इन चीजों को याद यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं इट इज रिकमेंड दैट यू स्टिक टू ओनली वन मेथड अगर आप दोनों मेथड्स को यूज करने की कोशिश करेंगे तो यू विल बी कंफ्यूज सो स्टिक टू वन मैथड जो आज आपको ईजी लगता है जो सा आपको पसंद है जिससे आप कंफर्टेबल हैं आप वो वाला मैथड यूज कर लें जो आपको याद करना और प्रैक्टिस करना आसान लगे अब इफ यू हैनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यूज ऑफ टेबल टू कन्वर्ट यू कैन आस्क इन दैट बॉक्स देर इज नो क्वेश्चन मिली सेकेंड माइक्रोसेकेंड लाइक दिस उसमें तो यही वाला प्रिंसिपल यूज होगा बट अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम डे टू आवर्स और फ्रॉम आवर्स टू मिनट और फ्रॉम मिनट्स टू सिक्सटी फ्रॉम मिनट्स टू सेकेंड देन यू विल सिंपली मैथड जो आप छोटी क्लासों से ही करते आ रहे हैं दैट टू कन्वर्ट टू स्मॉलर यूनिट टू मल्टीप्लाई एंड टू कन्वर्ट टू लार्जर यूनिट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये कहू के टाइम है हमारे पास वन डे का एंड यू हैव टू कन्वर्ट इन टू सेकेंड्स तो अगर आपने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो यू आर कन्वर्टिंग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल फर्दर मल्टीप्लाईड विदर्टेड इन टू मिनट्स और उसके बाद फर्दर आप सिक्सटी से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल्स और इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर अच्छा जी अब ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है विच यू हैव टू सॉल्व नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन पॉइंट जीरो फाइव मिली और आपने चैट बॉक्स में टेन की करेक्ट पावर मुझे बतानी है कि व्हाट विल बी द करेक्ट पावर ऑफ टेन सो इट इज माइनस थ्री मिली की जो पावर होती है दैट इज माइनस थ्री और ये जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं जो स्मॉल एम है इट इज यूज फॉर मिली सम स्टूडेंट्स आर मिस्टेकिंग वो मिली और माइक्रो को कंफ्यूज कर रहे हैं सो मिली माइक्रो मेगा इनको कंफ्यूज नहीं करना और स्टार्ट फ्रॉम एम लेकिन सब में डिफरेंस है मेगा तो वैसे ही आपका एक लार्जेस्ट यूनिट है इसकी पावर होती है टेन एस पावर सिक्स और कैपिटल एम इसका सिंबल होता है मिली होती है टेन एस टी पावर माइनस थ्री स्मॉल एम सिंबल होता है और जो माइक्रो होता है इट इज टेन एस टी पावर माइनस सिक्स और इसका सिंबल म्यू होता है विच इज अ ग्रीक लेटर स्मॉल एम इज फॉर मिली सो यहाँ पे आएगी टेन एस टी पावर माइनस थ्री अब नेक्स्ट वाला बताएं पॉइंट थ्री ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है व्हाट विल बी द पावर ऑफ टेन ओके कम ऑन वेर आर अदर पीपल गुड सो इसको करने के लिए टू कन्वर्ट फ्रॉम नॉन प्रीफिक्स टू प्रीफिक्स यूनिट आपने क्या करना होता है आपने डिवाइड करना होता है विद द पावर ऑफ टेन 0.3 डिवाइडेड बाय 10 सी डी पावर 3, बिकॉज़ किलो का जो फैक्टर होता है, डेट इस 10 सी डी पावर 3, और उसके बाद ये डिनोमिनेटर से जब न्यूमेरेटर पे जाएगा, तो इट विल बिकम 0.3 इनटू 10 सी डी पावर माइनस 3, तो यहाँ पे जो पावर आएगी, दैट विल बी माइनस 3. अच्छा, नाउ द नेक्स्ट 30 माइक्रोमीटर चलें जी जल्दी जल्दी बताए कर पावर माइनस सिक्स माइक्रो ऊपर लिखा ही भी हुआ है माइक्रो इज टेन टू द पावर माइनस सिक्स देन फाइव मेगा मेगा का पावर क्या होती है सिक्स होती है तो यहां पे लग जाएगा सिक्स नाउ नेक्स्ट वन इज अगेन फॉर यू हंड्रेड मिनट्स यू हैव टू कन्वर्ट हंड्रेड मिनट्स इंटू आवर्स यू कैन यूज द कैलकुलेटर

six seven hours. Okay, another challenging unit conversion. You have to convert from kilometer per hour to meters per second. Eighty kilometers per hour. इसको करने का मेथड ये होगा कि आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 80 kilometers divided by one hour. 80 kilometer per hour means 80 kilometer divided by one hour. उसके बाद आप ऊपर convert करेंगे from kilometers to meters and in the denominator you will convert from hours to second. और उसके बाद उनको आप divide करके answer final answer निकालेंगे. Okay, so ये इसका कोई there are some problems in it. चैलेंज ये भी देखते हैं I got one एक को, अच्छा नहीं, 80 per hour, अब आपने इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको ऊपर जो किलोमीटर है उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है और आवर्स को आपने सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो इसको हम पहले फॉर कन्वीनियंस इस तरीके से हम लिख सकते हैं 80 किलोमीटर डिवाइडेड बाय वन आवर अब आपने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो so, किलो का आपका प्रीफिक्स होता है टेन टू द पावर थ्री तो इसको आप यहाँ पे टेन टू द पावर थ्री से आप तो मल्टीप्लाई so, कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा नीचे आपने वन आवर को कन्वर्ट करना है इन टू तो वन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे इन द डिनोमिनेटर विथ सिक्सटी तो इट विल बी कन्वर्टेड इन टू मिनट्स एंड अनदर सिक्सटी टू कन्वर्ट टू सेकेंड तो अब ये आपका कन्वर्ट हो गया इंटू सेकेंड्स अब आप अपना कैलकुलेटर लें और इसको सिंपली सोल्व कर लें थ्री डिवाइडेड बाय बिकम ट्वेंटी टू पॉइंट टू टू मीटर पर सेकेंड Is it clear?